विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में लगातार अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने बिना अनुमति की गई प्लॉटिंग को चिन्हित किया। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने एमडीडीए को चिन्हित अवैध प्लॉटिंग को रोकने के आदेश दिए, जिस पर एमडीडीए ने सहसपुर और विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि तहसील विकासनगर क्षेत्र में जिन जगहों पर लेआउट पास कराए गए हैं, वहां बगैर प्लॉटिंग की सूचना मिल रही है। उन जगहों पर एमडीडीए ने मामला दर्ज कर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अभी जो विकासनगर के अंतर्गत जो बिना लेआउट पास कराए कुछ जगहों पे प्लॉटिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, तो उसके बाद एमडीडीए के द्वारा इस पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें जो जो अवैध तरीके से जहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है उसके ध्वस्तीकरण और सीलिंग का कार्य किया गया है और जो लगातार आगे जा रही है।